कहानी है 2019 की। गांव का लड़का ऑनलाइन इंडस्ट्री में तो बहुत साल पहले ही था, लेकिन रीसेलिंग के बारे में आपका भाई को पता चला 2019 का नवंबर महीने के अंदर। तब उस टाइम मीशो बहुत ज्यादा चलते थे क्योंकि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर वाले एप्लीकेशन नहीं थे। मीशो नया आया था, मैंने भी ज्वाइन कर लिया और साथ साथ कुछ आसपास का होलसेलर से मैंने कॉन्टेक्ट करके अपना बिजनेस ऑनलाइन पे करने के लिए बिल्कुल एक सिंगल रुपीज भी मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है। बिना कैपिटल पे आप लोग जिस पे वीडियो के अंदर देख रहे हैं आपका भाई को शुरुआत करने लग गया ऑनलाइन इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 21 नवंबर में प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, 23 नवंबर में प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, 26 में, 28 में, और ऐसे तरह करके स्क्रॉल करते जाएंगे। जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में मैंने करीबन 20 ऑर्डर कंप्लीट कर दिया सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर, वो भी एक हफ्ता मेरा रीसेलिंग इंडस्ट्री में मतलब आए थे। उसी दिन डिसाइड ले लिया था कि मेरे को आप लोगों को ये मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ समझाना चाहिए, और आप लोगों का आशीर्वाद से आज करीबन चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर है। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। आपको पता चलेगा कि 2021 में आपको पर डे की वाइज 20 ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है। जिसको सेल करेंगे उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आप प्रोडक्ट कहां से उसको भेज रहे हैं। और इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते जाना रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे कमाने का तरीका देखने के लिए। देखो सबसे पहले बात कर लेते, अभी है 2021, जमाना बहुत चेंज हो गया। अभी आपको कमाना कैसे है, प्रोडक्ट को सेल ज्यादा से ज्यादा कैसे करना है। रीसेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप लोग जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से मैक्सिमम 90% लोग यही सेल करते हैं, बच्चों का ड्रेस, लड़का का टी शर्ट, जींस, शर्ट और लहंगा, साड़ी वगैरह, ये सब चीज मैक्सिमम तो साड़ी इंडस्ट्री में सभी लोग घुसे हैं कि भाई हम सभी को साड़ी सेल करना है। ये प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट आप लोग सोच रहे हैं कि हम इस चीज को लेकर रीसेलिंग करके जाएंगे या करेंगे, मैं 100% अभी रिटर्न गारंटेड के साथ आपको बता रहा हूं आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी भाई आपका दोस्त सेल कर रहा है, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी आपका कोई रिश्तेदार सेल कर रहा है। आपको अगर अभी इस इंडस्ट्री में रीसेलिंग करना है, कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट आपको सेल करना है जो कि ऑल टाइम हाई डिमांड है और सप्लाई रीसेलर लोगों को पता ही नहीं कि उस प्रोडक्ट को लेकर भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। और मेरा काम यही है कि आपको ये चीज भी ढूंढ कर देना, जो कि मैं पहले पिछले वाला वीडियो, कल वाला वीडियो जो अपलोड किए थे, उस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आया, एक यूनिक प्रोडक्ट बताइए उसमें आपको भी काम आ गया। मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मैं इतना यूनिक प्रोडक्ट आपको देखने, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, जाकर देख लेना। अब देखो कि ऑर्डर लाना कैसे है, आपको पर डे 20 ऑर्डर, उसके पहले आपको हर प्लेटफॉर्म में अकाउंट बनाकर रखना पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म में अकाउंट मतलब OLX में, जो कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्स आता है, खुद का वेबसाइट, उसके बाद फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज अगर अभी इस जमाने पर लगाएंगे तो आपको सेल आते लाएंगे। कि आपके साथ कस्टमर जुड़ना बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कस्टमर आपके साथ जुड़कर रह जाएंगे, लेकिन उस कस्टमर को हमेशा के लिए आपके साथ बॉन्डिंग कर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कस्टमर नहीं रहते क्योंकि उसको आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आते, पता चल जाता कहीं ना कहीं से कि आपके पास तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, लोगों का प्रोडक्ट से बाईपास करके आप बीच बीच में मुनाफा कमा रहे हो। तो उसके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जिस प्रोडक्ट में कस्टमर को जरूरी है और वो प्रोडक्ट आपको उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हर डे की वाइज जरूरी है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया, वैसे भी लाखों प्रोडक्ट है ऐसे तरह, करोड़ प्रोडक्ट है ऐसे तरह, आने वाले टाइम पे आपको उस चीज का वीडियो ऑलरेडी मैं बना दूंगा। सो आपको डेली का 20 ऑर्डर लेने के लिए एक तो कस्टमर बेस पहले बनाना होगा। कस्टमर बेस किसको बोलते हैं पता है, कि पुराना कस्टमर जो भी आपके साथ जुड़े हैं वही कस्टमर रिपीट करके उनको ऑर्डर देगा। देखो उनकी जिंदगी में प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट तो लेते हैं भाई, यूज तो करते हैं, तो वो प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे तरह कस्टमर बेस अगर बनाकर रखेंगे तो आपको 20 ऑर्डर तो छोड़ो, पर डे 40-50 ऑर्डर भी आ जाएंगे, वैल्यूएबल कस्टमर अगर आपके पास रहेंगे तो। जितने भी मेरा प्रूफ आपको दिखाया मीशो में बोलो चाहे रीसेलिंग पे बोलो, कि एक दिन में 20 ऑर्डर कंप्लीट करना, उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा ऑलरेडी पुराना कस्टमर थे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट जरूरी होते हैं मेरे को बताते हैं, अभी भी बताते हैं, लेकिन अपना टाइम नहीं है कि उन लोगों के साथ डील करके उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, अगर आप पर डे की वाइज 20 ऑर्डर लेना चाहते हैं तो एक तो कस्टमर बेस बनाइए। कस्टमर बेस के अंदर तो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हजारों नहीं भाई 100 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़े हैं, जाकर वीडियो देखो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। कस्टमर बेस बना लिया, अब उनको डेली लाइफ में जो जो उनका प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आपको उसको शेयर करते जाओ, वो प्रोडक्ट आपको उसको भेजते जाओ, सेल करते जाओ, कम मुनाफा रखो, सेल तो ज्यादा आएंगे ना, तब भी आपको प्रॉफिट हो पाएंगे ऑटोमेटिकली। पर डे के वाइज 20 तो बहुत कम होगा,
मेरा हिसाब से अगर इसको देखे कि डेली नीड्स का प्रोवाइड अगर उसको सेल करेंगे प्रोवाइड करेंगे तो ऑर्डर की अनलिमिटेड हो जाएगा पर डे की वाइज। अगर आप लोग इस वीडियो को एक मोटिवेट की दौर पर देखेंगे तो ये वीडियो मोटिवेट था। अगर हेल्प की दौर पर ट्रिक्स की दौर पर मीशो ट्रिक्स की रीसेलिंग ऑनलाइन पैसा कमाने कुछ भी दौर पर देखेंगे तो वो वीडियो उसी टाइप का मैंने बनाने की आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, कुछ भी सवाल कुछ भी ओपिनियन है कमेंट पर जरूर बताइए और वीडियो चैनल पर नया तो एक सब्सक्राइब करते जाना। रोजाना लेटेस्ट बड़ी बड़ी घर बैठे कमाने का तरीका देखने के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। हर वक्त जैसे वापस आकर वीडियो देखने के लिए और मेरे को इतना ज्यादा प्रेम पूर्ण भक्ति देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं अगले संदेश वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।